हेलो एवरीवन, जसप्रीत हेयर। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो और क्लास है वो है ट्रांसमिशन मीडिया से रिलेटेड। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? ये कम्युनिकेशन चैनल होता है। जैसे हमने एक पीसी से दूसरे पीसी में कुछ भी सेंड करना है वो किसके थ्रू जाएगा, ठीक है? जैसे वायर्स होगी, जब वाईफाई वगैरह हो गया वो ट्रांसमिशन मीडिया में आ जाता है। तो इसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपने और भी क्लासेस देखनी है इससे रिलेटेड, जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड मैंने सीरीज शुरू की है, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है? ट्रांसमिशन मीडिया कम्युनिकेशन चैनल होता है जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है सेंडर से रिसीवर तक, ठीक है? जैसे ये सेंडर है हमारा और ये रिसीवर है। जो सेंडर से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन जाएगी, जो केबल्स है या एयर है, जो भी ट्रांसमिशन मीडिया कम्युनिकेशन चैनल होता है उसको हम ट्रांसमिशन मीडिया बोल देते हैं। डेटा जो होता है ट्रांसमिटेड होता है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं उनके थ्रू डेटा जो है ट्रांसमिट होता है, ठीक है? और जो ये ट्रांसमिशन मीडिया होता है, ये जो हमारी OSI, ये देखो जो हमारा OSI मॉडल है उसमें जो हमारी फर्स्ट लेयर है, ठीक है, फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर होती है उस पर ही ये यूज करते हैं हम, ठीक है? सेंडर की फिजिकल फर्स्ट लेयर और रिसीवर की, तो उसी में जब भी हमने सेंड करना है तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं। और मेन फंक्शनैलिटी क्या होती है इसकी, वही कि इंफॉर्मेशन को कैरी करती है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, ठीक है? बिट्स की फॉर्म में होती है थ्रू लैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है उसमें। और इट इज अ फिजिकल पाथ, वही ये एक फिजिकल पाथ है, ठीक है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के इन बिटवीन। और OSI मॉडल की ये फर्स्ट जो है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है? और नेक्स्ट हम देखते हैं, और कॉपर बेस्ड नेटवर्क होता है बिट्स इन द, अच्छा, अगर हमारा नेटवर्क कॉपर बेस्ड है तो उसमें क्या है, बिट्स क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल होती है। और अगर हमारा नेटवर्क फाइबर बेस्ड है तो उसमें जो बिट्स होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट पल्सेस, ठीक है, उनमें से लाइट जाती है, इसमें जो है बिजली जो के सिग्नल होते हैं उनकी फॉर्म में होती है बिट्स। और डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। जो जो अलग अलग ट्रांसमिशन मीडिया, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, सच एज जैसे कोई उनकी बैंडविड्थ होगी, ठीक है, डिले, कॉस्ट, ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, ये सब प्रॉपर्टीज हर जो भी ट्रांसमिशन मीडिया उन सभी की डिफरेंट होती है। और सम फैक्टर्स हैं जो कि कंसीडर किए जाते हैं ट्रांसमिशन मीडिया की डिजाइनिंग के लिए। तो सबसे पहला वही हमारा ये बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है, ऑल द फैक्टर आर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, इसमें सारे फैक्टर जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं, ठीक है। द ग्रेटर द बैंडविड्थ ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम के जरिए जो हमारा मैसेज आ रहा है अगर उसकी बैंडविड्थ ज्यादा होगी तो जो हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन का जो सिग्नल रेट है सिग्नल का वो भी हाई होगा, ठीक है। मतलब कि अगर बैंडविड्थ ज्यादा तो हमारा डेटा ट्रांसमिशन का रेट, जो सिग्नल का रेट है वो हायर होगा, ठीक है। और ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट क्या होता है, व्हेन द रिसीव्ड सिग्नल इज नॉट आइडेंटिकल टू द ट्रांसमिटेड, मतलब जैसा सिग्नल सेंडर ने सेंड किया है अगर उस तरह का बिल्कुल भी नहीं रिसीव हुआ तो क्या होता है, वन ड्यू टू ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट, वो किसके, मतलब उसी को हम बोल देते हैं ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट। मतलब कि सिग्नल जो है वो सही बिल्कुल एज इट इज नहीं गया, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ द सिग्नल विल बी डिस्ट्रॉयड, जो भी क्वालिटी होती है सिग्नल की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट की वजह से, ठीक है। ये होता है ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट। इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिस्टरप्टिंग ए सिग्नल, ये क्या करती है सिग्नल को डिस्टरप्ट करती है, डिस्टर्ब करती है व्हेन इट ट्रैवल ओवर अ कम्युनिकेशन मीडियम। जैसे कम्युनिकेशन मीडियम में जो सिग्नल ट्रैवल कर रहा है उस टाइम पर अगर उसको किसी ने जो प्रोसेस है मतलब कि डिस्टर्ब करने की, ठीक है, ऑन द एडिशन ऑफ सम अनवांटेड, मतलब उसमें कोई और सिग्नल चला गया, ठीक है, अनवांटेड जो सिग्नल नहीं चाहिए था, तो उसी को हम इंटरफेरेंस बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट है उसके कुछ कॉजेज हैं, ठीक है, तो उनको हम देख लेते हैं। तीन हमारे पास कॉजेज है, सबसे पहले है अटेन्युएशन, सेकंड है डिस्टॉर्शन, थर्ड है नॉइज, ठीक है। तो अटेन्युएशन क्या होता है, अटेन्युएशन मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी। ये वाले जो तीनों हमारे पॉइंट्स है ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट की, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चंस है उनमें काफी बार
पूछी जा चुकी है, ठीक है। अटेन्यूएशन का मतलब होता है कि अगर जो एनर्जी गई है या जो स्ट्रेंथ है वो मतलब कि उसकी एनर्जी लॉस होगी जब स्ट्रेंथ वीक हो गया, ठीक है, सॉरी सिग्नल जो है वो वीक हो गया। द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग द डिस्टेंस विच कॉज द लॉस ऑफ एनर्जी। मीन्स जैसे डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, ठीक है, सेंडर और रिसीवर में, सिग्नल उतना क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो उसी को हम बोल देते हैं कि जो एनर्जी है वो लॉस होगी। तो उसके लिए हम सिग्नल को फिर से मतलब कि अच्छा उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए हम एम्पलीफायर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो, इसमें आप पिक्चर में देख सकते हो, ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल था इस तरीके से, और जो हमारे पास पहुंचा है रिसीवर के पास, ये 0.1 हमारा सेंडर है, 0.2 हमारा रिसीवर है। जो उसके पास पहुंचा है वो देखो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, वो सिग्नल इससे डिफरेंट हो गया। और अगर इसको फिर से अच्छा करना तो एम्पलीफायर लगाकर देखो, ये इस तरीके से फिर जो हमने सिग्नल रिसीव किया था उस तरीके का वो बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो अटेन्यूएशन का मतलब यही होता है कि एनर्जी का लॉस हो जाना इन बिटवीन, ठीक है, जब ट्रांसमिशन हो रहा है, इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर में जा रही है तब। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन कब आता है, व्हेन देयर इज चेंज इन द शेप ऑफ सिग्नल, जब सिग्नल की जो शेप है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस आ जाए तो उसको हम डिस्टॉर्शन बोलते हैं। तो डिस्टॉर्शन को हम किस तरीके से एग्जामिन करते हैं, डिफरेंट सिग्नल हैव डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, जो अलग अलग सिग्नल्स है उनकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, उन्हीं से हम इनको एग्जामिन कर पाते हैं। ईच फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हैज इट्स ओन प्रोपोगेशन स्पीड, जो भी हमारी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स है उनके सबके अलग अलग प्रोपगेशन स्पीड होती है, सो दे रीच एट डिफरेंट टाइम, तो वो अलग अलग टाइम पर पहुंचते हैं, विच लीड्स टू डिले डिस्टॉर्शन। तभी जो है देखो, अलग अलग उनकी फ्रिक्वेंसी है, अलग अलग स्पीड है, ठीक है, प्रोपगेशन स्पीड है, तो उसी के कारण वो अलग अलग स्पीड पर कभी पहुंचते हैं, तो इसको हम डिले डिस्टॉर्शन बोल देते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये हमारे पास इस तरीके का सिग्नल था, ठीक है, और जो ये कंपोनेंट्स इन द फेस, ठीक है, जो ये फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग ये अलग अलग है, ये हमारा सेंडर का है, ये रिसीवर का है। तो यहाँ पर तो देखो ये बिल्कुल सही आ गए कंपोनेंट्स आउट ऑफ द फेस, लेकिन जो ये कंपोजिट, जब इनको इकट्ठा करके एक सिग्नल बना, उसमें देखो ये प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, जो शेप थी सिग्नल की वो चेंज होगी। देखो ये इसके साथ अगर आप कंपैरिजन करो इसको, तो ये शेप में चेंजेस आ गई है, तो इसी को हम डिस्टॉर्शन बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉइज। तो नॉइज क्या होती है, व्हेन डेटा इज ट्रेवल्ड ओवर द ट्रांसमिशन मीडिया, जब वो ट्रांसमिशन मीडिया पर डेटा या इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही होती है, तब सम अनवांटेड सिग्नल, कोई और सिग्नल उसमें ऐड हो जाता है, जिसके कारण नॉइज जो है वो क्रिएट हो जाती है। जैसे ये देखो, ये हमारा सिग्नल है, ठीक है, इस तरीके का सिग्नल है, और ये एक और सिग्नल है, ये दोनों सिग्नल मिक्सअप हो गए, तो यहां से लेकर यहां तक जो है देखो ये कुछ भी नहीं समझा रहा, दोनों का मिक्सचर हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगी, नॉइज आ जाएगी, जैसे आवाज आती है सर सर की, इस तरीके से मतलब यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो क्या हो जाएगी, वो मतलब कि नॉइज के द्वारा नॉइज उस पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर नॉइज क्रिएट हो गई है, दोनों सिग्नल का मिक्सचर हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं पता चल रहा कि क्या मैसेज है, तो ये कॉजेज ऑफ ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट थे। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया के हमारे पास दो टाइप्स हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया को हम वायर्ड बोल सकते हैं, ठीक है, अनगाइडेड को हम वायरलेस बोल सकते हैं। ये वायर्ड मीडिया हो गया, ये हमारे पास वायरलेस मीडिया हो जाता है। तो गाइडेड मीडिया आगे हमारे पास तीन टाइप का है, कोएक्सियल फाइबर ऑप्टिक ट्विस्टर, ठीक है, और अनगाइडेड हमारे पास है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ठीक है जी। तो जो ये हमारे पास कोएक्सियल केबल्स है, ये भी आगे दो टाइप्स में डिवाइड हुई हुई है, बेस बैंड, ब्रॉड बैंड, और ट्विस्टेड जो हमारे पास केबल्स है वो भी अनशील्डेड, शील्डेड, और इनको थोड़ा सा अभी हम डिटेल में कवर करेंगे।
तो फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास गाइडेड मीडिया आ गया, वाइड नेटवर्क। तो ये देखो ये तीनों हमारे पास है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। तो ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड है, ये फिजिकल मीडिया होता है, ठीक है, जिनमें क्या होता है, सिग्नल ट्रांसमिट होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज बाउंडेड मीडिया, इसको हम बाउंडेड मीडिया भी बोल सकते हैं। आप ये केबल्स भी देख सकते हो, ये ट्विस्टेड पेयर केबल इस तरीके की होती है, और कोएक्सियल केबल जो हमारे टीवी वगैरह में हम यूज करते हैं वो वाली वायर्स होगी, और ये देखो फाइबर ऑप्टिक किस तरीके से हमारे पास होती है। तो जो ये ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, इसमें क्या होती है, इंटायर केबल जो होती है वो प्लास्टिक कवरिंग के साथ कवर होती है, ठीक है, और पेयर ऑफ कॉपर वायर्स आर इंसुलेटेड विद द प्लास्टिक कोटिंग। जो ये इसमें क्या होता है, पेयर होता है, ठीक है, कॉपर वायर का, वो एक दूसरे के साथ ट्विस्ट हुआ होता है और उस पर प्लास्टिक की कोटिंग होती है एंड ट्विस्टेड टुगेदर वही। और मोस्ट केबल कंटेन एटलीस्ट टू पेयर, जो भी हमारे पास केबल्स होती है ज्यादातर उनमें दो पेयर तो होंगे, यहाँ पर बहुत सारी केबल्स है, कई बार ऐसा होता है कि एक ही केबल होती है और उसमें दो पेयर को, मतलब एक पेयर को ट्विस्ट किया होता है, ठीक है। और ये हमारे पास कोएक्सियल केबल में इंटायर केबल कवर्ड होती है प्लास्टिक कवरिंग से, आउटर कंडक्टर इज मेड ऑफ वोवन और ब्रेडेड मेटल से बना होता है, और ये व्हाइट वाला क्या होता है, इंसुलेटिंग मटीरियल सराउंडेड द कॉपर, जो ये कॉपर वायर है इसको सराउंड करता है, और जो इनर मोस्ट पार्ट होता है केबल का वो क्या होती है, सिंगल कॉपर वायर होती है, इसमें दो होती है जो ट्विस्ट होती है, इसमें सिंगल ही होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, द एंटायर केबल सराउंडेड बाय स्ट्रेंथनिंग मटेरियल होता है, इसमें कवर्ड बाय अ प्लास्टिक कवरिंग, और जो ये हमारे पास है कोर ऑफ ईच फाइबर इज अ सिंगल ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब्स होती है इनमें, विच इज सराउंडेड बाय रिफ्लेक्टिव क्लैडिंग के द्वारा उनको सराउंड किया जाता है, और प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कोटिंग प्रोटेक्ट्स मत ईच फाइबर, जो भी इसमें फाइबर होती है उन सभी को प्रोटेक्ट करती है प्रोटेक्टिव प्लास्टिक। ये केबल कंटेन, इसमें मल्टीपल फाइबर्स भी हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है, ठीक है। अभी हम थोड़ा वन बाय वन इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल, तो ये देखो फिजिकल मीडिया जो कि पेयर ऑफ केबल ट्विस्टेड होती है, ये देखो इस तरीके से दो मतलब कि दो हमारे पास केबल्स होती है जो इस तरीके से ट्विस्टेड होती है, तभी हम इनको ट्विस्टेड पेयर केबल्स बोल देते हैं, ठीक है। ये चीप होती है एज कंपेयर टू जो बाकी हमारा ट्रांसमिशन मीडिया, चीप मतलब कि सस्ती होती है। इंस्टॉलेशन ऑफ द ट्विस्टेड पेयर केबल इज इजी, जब हम इनको इंस्टॉल करते हैं तो वो बहुत इजी होता है, क्योंकि ये लाइट वेट केबल्स होती है, ठीक है, इनको मतलब कहीं पर भी अगर हम इनको यूज करना चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट इनकी बहुत ईजी होती है, और फ्रिक्वेंसी रेंज जो होती है इन केबल की वो 0 to 3.5 किलो हर्ट्स में होती है, ठीक है। तो ये अभी मैंने ये बता दिया आपको, ये वही है फिर से। और नेक्स्ट टाइप्स, जो ट्विस्टेड पेयर केबल की दो टाइप्स है, शील्डेड और अनशील्डेड, ठीक है। तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है, वाइडली ये टेलीकम्युनिकेशन में यूज होती है मोस्टली, और शील्डेड पेयर केबल कंटेन द मैश सराउंडिंग द वायर दैट अलाउ द हायर ट्रांसमिशन रेट, ठीक है। इसमें मैश सराउंडिंग होती है, इसमें मतलब कि और दैट जो जिसमें क्या होता है हाई ट्रांसमिशन रेट होता है। शी अनशील्डेड मतलब उनके उनके ऊपर कोई शील्डिंग नहीं होती, ठीक है। शील्डिंग शील्डिंग होती है, किसी चीज को कवर किया होता है, ठीक है। तो ये इसमें होती नहीं है, इसमें शील्ड किया होता है, ठीक है। मैश सराउंडिंग मतलब बहुत ज्यादा उस पर सराउंडिंग की होती है वायर्स पर, तो तभी इसका जो ट्रांसमिशन रेट होता है वो काफी ज्यादा होता है शील्डेड पेयर केबल का। और नेक्स्ट है कोएक्सियल केबल, ये बहुत ज्यादा कॉमन यूज होती है ट्रांसमिशन मीडिया में, जैसे टीवी वायर इज यूजली, जो भी टीवी वायर्स होती हैं वो कोएक्सियल केबल होती हैं। जो नेम है केबल का कोएक्सियल, इसका मतलब क्या है, इसमें दो कंडक्टर होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होता है, ठीक है। इट हैज अ हायर फ्रिक्वेंसी होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है ट्विस्टेड पेयर केबल से, और जो इनर कंडक्टर होता है कोएक्सियल केबल का इनर कंडक्टर, वो क्या होता है, कॉपर का बना होता है, ठीक है। ये वाला जो कंडक्टर है ये कॉपर का बना होता है, और जो आउटर कंडक्टर होता है ये कॉपर मैश से बना होता है, ठीक है। ये देखो कॉपर मैश से बना हुआ है। द मिडल कोर इज मेड अप ऑफ, जो मिडल हमारे पास होता है ये वाले, ये नॉन कंडक्टिव कवर होते हैं जो सेपरेट करते हैं इनर और
जो ये इनर है और आउटर कंडक्टर को, ठीक है। जो मिडल कोर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा ट्रांसफर इन, वेयर एज द कॉपर मैश प्रिवेंट फ्रॉम ईएमआई। जो ये मिडल है इससे तो जो डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, और जो ये मैश है ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से, भी कोई और इसके साथ इंटरफेयर ना कर जाए तो उससे ये मतलब कि प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट, इसकी कोएक्सियल के भी हमारे पास दो टाइप्स है, बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड। बेस बैंड होती है, ये प्रोसेस होती है ट्रांसमिटिंग सिंगल सिग्नल एट हाई स्पीड। इसमें क्या होता है, देखो ये रहा बेस बैंड, ये हमारा सेंडर, ये रिसीवर है, ये सिंगल ट्रांसमिशन ही होती है, ठीक है, इसमें, और स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है। ब्रॉड बैंड में क्या होता है, डिफाइंड प्रोसेस ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स होते हैं, इकट्ठे ही जाते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली। और देखो ये हमारे पास सेंडर है, ये रिसीवर है ब्रॉडबैंड, इसने इसको सिग्नल सेंड किया, इसने इसको किया, मतलब मल्टीपल ट्रांसमिशन होती है, ठीक है, पाथ्स मल्टीपल इसको दिए जाते हैं, इसमें सिंगल पाथ ही होता है, तो ये इनमें डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइबर ऑप्टिक केबल। इसको हम जो फाइबर ऑप्टिक केबल है इसको हम ऑप्टिक फाइबर भी केबल्स भी बोल देते हैं, और इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कम्युनिकेशन के लिए। और फाइबर ऑप्टिक वो केबल है जो होल्ड करती है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर कोटेड होता है प्लास्टिक का इन पर, और ये यूज किए जाते हैं ताकि सेंड कर सके हम पल्सेस ऑफ लाइट, मोस्टली इनमें जो लाइट है वो पास होती है, ठीक है, और प्लास्टिक कोटिंग जो होती है प्रोटेक्ट करती है इनमें ऑप्टिकल फाइबर को हीट से, कोल्ड से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से, फ्रॉम अदर टाइप ऑफ वायरिंग, कोई और टाइप ऑफ वायरिंग है उससे। और फाइबर ऑप्टिक्स प्रोवाइड करती है फास्टर, मतलब अगर इन तीनों की बात की जाए तो फाइबर ऑप्टिक में सबसे ज्यादा फास्ट डेटा ट्रांसमिशन होता है देन जो कॉपर वायर्स है, ठीक है, उनके कंपैरिजन। तो ये इस तरीके से देख सकते हो, ये हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, जो हमारा गाइडेड मीडिया है उनकी, इन तीनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो कोएक्सियल केबल इनएक्सपेंसिव होती है, ठीक है, मतलब कि चीप होती है ये, और इजी टू एक्सपेंड, इसको हम इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं, और वाइडली बहुत ज्यादा यूज होती है ये, ठीक है, वाइडली यूज होती है। सिंगल केबल फेलियर कैन टेक डाउन एन एंटायर नेटवर्क। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो सिंगल केबल होती है अगर वो क्योंकि इसमें सिंगल केबल ही यूज होती है, तो अगर वो फेल होगी तो पूरा नेटवर्क जो है वो हमारा डाउन चला जाएगा, और जो इसका डिस्टेंस होता है वो लिमिटेड होता है कोएक्सियल केबल का। ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स का क्या एडवांटेज है, इजी इंस्टॉलेशन है इसकी, कैपेबल ऑफ हाई स्पीड, इसकी हाई स्पीड है लैन के लिए, और कॉस्ट इसकी लो है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, मोर डिफिकल्ट इंस्टॉलेशन, इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, ठीक है। और हमारे पास फाइबर ऑप्टिक का एडवांटेज क्या है, इसकी स्पीड फास्ट होती है, कैन गो लॉन्ग डिस्टेंसेस, जैसे हमने बोला था कोएक्सियल इसका डिस्टेंस लिमिटेड होता है, इसका डिस्टेंस हम कितना भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है, हार्ड टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना काफी ज्यादा हार्ड होता है, और बेंडिंग इज नॉट ईजी, इसको बेंड करना ईजी नहीं है, ठीक है। और हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है अनगाइडेड मीडिया और वायरलेस नेटवर्क। तो अनगाइडेड ट्रांसमिशन में क्या होता है, ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, ठीक है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो वो ट्रांसमिट होती हैं विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मीडियम, इसमें कोई भी फिजिकल मीडियम यूज नहीं होता, जैसे हमने पहले गाइडेड किया है वो उसमें फिजिकल मीडियम यूज होता है, इसमें नहीं होता, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज, तभी हम इसको वायरलेस ट्रांसमिशन भी बोल देते हैं, ठीक है। इन अनगाइडेड मीडिया में क्या होता है, एयर इज मीडिया, इसमें जो एयर होती है वो मीडिया होती है थ्रू विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैन फ्लो इजीली, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो फ्लो करती है, ठीक है। तो अनगाइडेड मीडिया की हमारे पास तीन टाइप्स है, रेडियो ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। तो इनमें सबसे पहली हमारी है रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन। रेडियो वेव क्या होती है, इसकी जो फ्रिक्वेंसीज होती है वो 10 किलो हर्ट्ज से लेकर 1 गीगा हर्ट्ज तक होती है, और रेडियो वेव्स जो होती है ओमनी डायरेक्शनल होती है। ओमनी डायरेक्शन मतलब हर डायरेक्शन में ये वेव्स जाती हैं, कोई इनका पर्टिकुलर ये नहीं होता कि मतलब ये सेंडिंग, ये सेंडर ये, रिसीवर ये, सेंडर ने इसको सेंड करना है, ये मतलब ब्रॉडकास्ट कर देती है ओमनी डायरेक्शनल, हर डायरेक्शन में जाती है। व्हेन एन एंटीना सेंड्स रेडियो
वेव जब भी एंटीना रेडियो वेव सेंड करता है दे आर प्रोपेगेटेड, देखो वही है कि सारी डायरेक्शंस में वो प्रोपेगेट हो जाती हैं। और दिस डिफाइंस दैट सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनास डू नॉट हैव टू बी अलाइन, मतलब कि जो अलाइन नहीं किए होते जो हमारे सेंडिंग और रिसीविंग एंटीना है, तो सेंडर जो सेंड करेगा वो सभी डायरेक्शन में सभी जो एंटीना वो रिसीव कर सकते हैं उनको, ठीक है। सेंडिंग एंटीना सेंड्स वेव्स दैट एनी रिसीविंग एंटीना, कोई भी उसको रिसीविंग एंटीना रिसीव कर सकता है, ठीक है। कोई मतलब पाथ नहीं दिया हुआ कि ये वाला सेंडिंग एंटीना और ये वाला रिसीविंग है, कोई भी उसको रिसीव कर सकता है। इट इज अ बेस्ड ऑन, ये बेस्ड होता है कि वेवलेंथ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है। कोई भी FM रेडियो है, जैसे टेलीविजन है, कोर्डलेस फोन्स है, वो सभी इसके एग्जांपल्स है, ठीक है। टेलीविजन हो गया, जैसे FM रेडियो हो गया, ठीक है, वो सभी जगह पर ब्रॉडकास्ट हो जाता है, तो उनमें रेडियो वेव्स यूज होती है। टेलीविजन में भी हमारे रेडियो वेव्स यूज होती है। रेडियो वेव्स आर दोज वेव्स दैट प्रोपेगेट इन अ स्काई मोड, ये स्काई मोड में प्रोपेगेट करती है, कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, और ये जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर कर देती है। रेडियो वेव्स आर दोज ऑफ लो एंड मीडियम फ्रिक्वेंसी, लो और मीडियम फ्रिक्वेंसी होती है इनमें, जो क्या करती है, जो वॉल्स होती है उन्हें भी पेनिट्रेट कर देती है। पेनिट्रेट का मतलब कि वॉल्स के दूसरी साइड भी वो चली जाती है, ठीक है, एक हाउस के अंदर भी वो एंटर कर सकती है। दस एन FM रेडियो कैन रिसीव सिग्नल इन साइड अ बिल्डिंग ऑल्सो, तभी जो FM रेडियो है वो सिग्नल्स को बिल्डिंग के अंदर भी रिसीव कर सकता है। तो ये देखो इस तरीके के हमारे पास डायग्राम है, ये है ग्राउंड वेव पर ही, ठीक है, जब वेरी लो फ्रिक्वेंसी हो, लो हो और मीडियम हो, ठीक है, जब बहुत ज्यादा लो फ्रिक्वेंसी हो, लो हो या फिर मीडियम हमारे पास फ्रिक्वेंसी हो, तब वो क्या होती है, ग्राउंड वेव पर उसको फॉलो करती है, कर्वेचर ऑफ द अर्थ, ठीक है, इस तरीके से ही फॉलो करती है। और अगर हाई फ्रिक्वेंसी हो और बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी हो, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, तो बाउंस ऑफ द आइनोस्फेयर, जो हमारी अर्थ की आइनोस्फेयर में उसमें एंटर कर जाती है, ठीक है, जो ये रेडियो वेव्स होती है। तो इस तरीके की हमारे पास रेडियो वेव्स होती है। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव क्या होता है, ये फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की विद वेवलेंथ शॉर्टर देन द अदर रेडियो वेव्स। जो रेडियो वेव्स होती है उनसे इनकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, बट लॉन्गर देन द इंफ्रारेड, मतलब इंफ्रारेड से ज्यादा होती है और हमारी जो रेडियो वेव्स है उनसे कम होती है, ठीक है। इट्स वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम अबाउट 1 मीटर टू 1 मिलीमीटर, जो इनकी वेवलेंथ होती है वो 1 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक होती है, ठीक है। और कॉरेस्पॉन्डिंग टू फ्रिक्वेंसी जो होती है इनकी वो 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है, ठीक है। और रेडियो वेव्स की जो सॉरी रेडियो आ गया यहाँ पर, माइक्रोवेव्स ही है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर आ गया, ठीक है। माइक्रोवेव्स आर टू टाइप्स होती है हमारे पास, टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव्स, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव और सैटेलाइट, ठीक है। टेरेस्ट्रियल और हमारे पास टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन क्या होता है, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं, एक हमारी फोकस्ड बीम होती है जिसको हम ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, रेडियो सिग्नल की फ्रॉम वन ग्राउंडेड बेस्ड माइक्रोवेव से। जैसे ये ग्राउंडेड हमारा माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है एक एंटीना से दूसरे एंटीना में, ये दोनों हमारे ग्राउंड पर ही है, ठीक है। और माइक्रोवेव इनकी जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 1000 गीगाहर्ट्ज तक होती है, और इसको हम बोल सकते हैं कि यूनि डायरेक्शनल होता है। जैसे रेडियो वेव हमारी ओमनी डायरेक्शनल थी, वो सभी डायरेक्शन में जाती थी, लेकिन ये यूनि डायरेक्शनल है, ये एक ही डायरेक्शन में जाएगी, जैसे ये आप डायग्राम में देख सकते हो। वेयर इज द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना इज टू बी अलाइंड, विच मीन्स द एंटीना आर नैरोली फोकस्ड, मतलब इन दोनों को अलाइन किया जाता है कि इस एंटीना से इस एंटीना में ही जाना चाहिए, किसी और एंटीना पर नहीं जाना चाहिए, तो इस पर जो है अलाइन किया जाता है इनको। हेयर एंटीनाज आर माउंटेड ऑन द टावर्स टू सेंड अ बीम टू अनदर एंटीना विच इज प्रेजेंट एट किलोमीटर अवे, ठीक है, कुछ ही किलोमीटर पर होते हैं। जैसे ये देखो ये टावर लगा हुआ है इस डायग्राम में, यहाँ पर है, इस तरीके से जो है ये टावर पर इनको लगाया जाता है, ठीक है। और दूसरा एंटीना जैसे इस बिल्डिंग पर इस तरीके से हो सकता है, तो ये एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। तो जो ये वर्क होता है, इट वर्क्स ऑन लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, इसको हम लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन बोलते हैं, जिसमें डेडिकेटेड हमारा लिंक होता है, विच मीन्स द एंटीना माउंटेड ऑन द टावर
आर एट द डायरेक्ट साइड ऑफ ईच अदर, ठीक है। मतलब कि जो टावर पर हमारे पास माउंट की लगाए हुए हैं जो हमारे एंटीनास, वो डायरेक्ट साइट होगी दूसरे के लिए, ठीक है। इस तरीके से जो हमारे टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट हमारा है सैटेलाइट माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। ये क्या होता है, ये ब्रॉडकास्ट के लिए यूज किया जाता है एंड रिसीविंग सिग्नल्स, किसी भी सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए, और जो है मतलब कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ब्रॉडकास्टिंग मतलब कि सभी के लिए, सभी को ब्रॉडकास्ट नहीं होता, कोई फिक्स होते हैं रिसीविंग सिग्नल्स जिनको सेंड करना होता है, ठीक है। द सिग्नल आर ट्रांसमिटेड टू द स्पेस, स्पेस में सिग्नल्स को इस तरीके से ट्रांसमिट किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास सैटेलाइट्स जो है उनको पोजीशन दी जाती है एंड इट रीट्रांसमिट द सिग्नल टू द अप्रोप्रिएट लोकेशन, ठीक है। जो ये बोलेगा कि मेरे इसको सेंड करना है, तो वो उसी जो है अप्रोप्रिएट लोकेशन में सेंड कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है। इट एक्ट एज अ रिपीटर, ये रिपीटर के तरह भी वर्क करता है। एज इट ओनली रिसीव द सिग्नल, ये सिर्फ सिग्नल को रिसीव करता है और रीट्रांसमिट कर देता है उसको, ठीक है। मतलब अगर सिग्नल में कोई जैसे सिग्नल लो हो गया, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, उसको सही करके भी ये रीट्रांसमिट भी कर देता है। द सैटेलाइट शुड बी अलाइंड प्रॉपरली विद द अर्थ फॉर दिस सिस्टम टू वर्क। इस तरीके से वर्क करने के लिए जो सैटेलाइट होते हैं उनको प्रॉपरली अलाइन किया जाता है, ठीक है। इट इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड अर्थ एट नॉन हाइट, ठीक है। किसी हाइट पर जो है अर्थ के अराउंड इनको रिवॉल्व करते हैं जो हमारे सैटेलाइट होते हैं। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है एंड रिलायबल होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू जो हमारी केबल और फाइबर ऑप्टिक सिस्टम है उनके कंपैरिजन। विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन की हेल्प से वी कैन कम्युनिकेट विद एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब, किसी भी पॉइंट पर बैठकर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट एक्सेप्ट द सिग्नल, ये सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ स्टेशन, जो अर्थ स्टेशन से सेंड किए जाते हैं उनको ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है एंड एम्पलीफाई द सिग्नल। वही रिपीटर की बात कर रहे थे कि रिपीटर की तरह वर्क करता है, एम्पलीफाई कर देता है। अगर सिग्नल में कोई स्ट्रेंथ की कमी होगी तो उसको सही करके फिर वो रीट्रांसमिट कर देता है दूसरे को। एम्पलीफाइड सिग्नल जब हो गया तो उसको रीट्रांसमिट कर देगा दूसरे जो अर्थ स्टेशन पर, दूसरा उसका स्टेशन है उसको सेंड कर देता है। लास्ट हमारी इसमें है इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, ठीक है। हमने क्या कर ली, रेडियो वेव ट्रांसमिशन भी कर ली, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन भी कर ली, थर्ड हमारी और लास्ट है इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन क्या होती है, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ये तीनों ही वायरलेस टेक्नोलॉजी थी हमारी जो हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए ओवर शॉर्ट रेंजेस, ठीक है, मतलब शॉर्ट डिस्टेंसेस में कम्युनिकेशन करने के लिए। द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड इज द रेंज, रेंज इसकी देखो 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर 400 टेराहर्ट्ज तक होती है, ठीक है। और जो हमारा इंफ्रारेड ये है यूजेस लाइन ऑफ साइट, इसमें भी लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन ही यूज होता है। इट इज यूज फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए हम इसे यूज करते हैं, सच एज डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू सेल फोन, जैसे हमने डेटा ट्रांसफर करना है दो सेल फोन के इन बिटवीन, या टीवी रिमोट ऑपरेशन है, ठीक है, टीवी और रिमोट का देखो ये इस तरीके से डेटा ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर के इन बिटवीन जो डेटा ट्रांसफर करना है, और सेल फोन के तो रिजाइड इन सेम क्लोज्ड एरिया, मतलब सेम क्लोज्ड एरिया के अंदर ही होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो इंफ्रारेड रेज है ये वॉल को पेनिट्रेट नहीं करता जिस तरीके से हमारी पहले वाली करती थी, ठीक है। ये वॉल्स के अंदर ही एक रूम में ही हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रिमोट हमारा टेलीविजन को हम जो यूज करते हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहे।